नमो नमो मित्रों, मेरा नाम है विनोद और आपका स्वागत है अपने वैदिक जीवन यूट्यूब चैनल पे। आज के इस वीडियो में हम लोग जिस बुक का रिव्यू करने वाले हैं उसका नाम आपके सामने है संस्कृत स्वयं शिक्षक, श्रीपाद दामोदर सातवलेकर द्वारा लिखी गई है पुस्तक। बहुत ही अच्छा कवर है इसका, मुझे बहुत अच्छा लगता है कवर का डिज़ाइन इसका। और ये राजपाल एंड सन्स पब्लिकेशन से आती है और इसमें MRP जो 185 की, और ये मैंने अमेजोन से परचेज किया है। पुस्तक का साइज देख लेते हैं, साइज है 5.5 इंच चौड़ाई है चौड़ाई, और लंबाई इसकी है 8.5 इंच। इसकी मोटाई देख लेते हैं कितनी है, लगभग 2.25 सेंटीमीटर की मोटाई है इसकी। तो मूल्य मैंने आपको दिखाई दिया 185। और अगर आपको संस्कृत सीखना हो उसके लिए पुस्तक बहुत ही अच्छी है, आप संस्कृत भाषा को सीख सकते हैं बहुत ही सरल तरीके से। आप देख सकते हैं पहले वर्णमाला के बारे में, संस्कृत वर्णमाला के बारे में बताया गया है इसमें, और वर्णमाला में थोड़ा आपको अगर संस्कृत पढ़ते हैं तो वर्णमाला में ज़्यादा आपको समय देना होगा और देना भी चाहिए, क्योंकि अगर ये आपका वर्णमाला क्लियर हो गया, उच्चारण क्लियर हो गया इसका, सारी जानकारी आपको मिल गई वर्णमाला की, स्वर व्यंजनों की, तो आगे किसी तरह की आपको बाधा नहीं आएगी और चीज़ों को अच्छे से समझ पाएंगे। तो इसलिए वर्णमाला में थोड़ा टाइम देना चाहिए, ऐसा नहीं कि ये तो पढ़ा हुआ है, हम पढ़ चुके हैं बचपन में, तो ऐसा नहीं, इसको टाइम देना चाहिए क्योंकि बहुत चीज़ें आपको पता चलेंगी जो आपको नहीं पता थी। और अब जो पढ़ेंगे वर्णमाला तो अलग तरीके से, आपके मस्तिष्क का विकास हो चुका है, बचपन में जो पढ़ा था उस समय मस्तिष्क का स्तर अलग था, तो अब जो पढ़ेंगे वो ज़्यादा चीज़ समझ में आएंगी आपको। तो वर्णमाला में समय आपको देना होगा अच्छे से समझने के लिए संस्कृत को। तो अगर आप एक पुस्तक, तो अगर आप संस्कृत सीखना चाहते तो पुस्तक जरूर रखिए। और भी पुस्तकें हैं मेरे पास संस्कृत की, मैं आपको दिखाता हूँ अगले वीडियो में। तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने मित्रों में, परिवारजनों में इसे शेयर कीजिए, या जो संस्कृत पढ़ना चाहते हैं उनको शेयर कीजिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इससे कि आपको आने वाले समय में इसी तरीके से पुस्तकों के बारे में जानकारी मिल सके और अपने वैदिक संस्कृति से संबंधित बहुत सारे उपयोगी वीडियोज़ आपको देखने को मिल सके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।